हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो फिर से हाजिर हूँ मैं अपनी न्यू वीडियो लेकर एडिटिंग के ऊपर से। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। को कैसे कट करता हूँ ये देखना है आपको। पहले हम ड्रो में जाएंगे, पिक सर्च मारकर ड्रो में जाएंगे। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम वाइट कलर लेंगे, ब्रश पर जाएंगे। ब्रश पर जो ये वाला ब्रश है ना, ये देखिए, इसको लेंगे। इसका साइज ये एडजस्ट करेंगे 25। फिर जो अपनी मॉडल है जितना आपको कट करना है उसके ऊपर अपन अप्लाई करेंगे। ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, आपके ऊपर से काटना है आपको। जैसे बस इतना करना है कि यहाँ जहाँ पर भी मॉडल को आपको काटना है सिर्फ वहीं पर इसको ड्रॉ करना है। तो देखिए फिर देखा कि जैसा कि मैंने पूरे मॉडल को अपने को वाइट कर लिया है, उस पर ब्रश कर दिया है। तो यहाँ जहाँ जहाँ पर भी आपको अपना मॉडल कट करना हो वहाँ वहाँ पर अपन को ब्रश से उसको सेलेक्ट कर देना है उतने उतने एरिए को। मैंने देखिए मेरे मॉडल को उतना उतना सेलेक्ट कर दिया है। तो अब अपन जाएंगे लेयर में, तो यहाँ से सिंपली फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो नॉर्मल लिखा है इसकी जगह आके अपन को मल्टीपल करना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी कटी है, देखिए कितनी जल्दी इरेजर हो गई। तो अभी तो मैंने आपको एग्जांपल करके बताया इसलिए ना मैंने सही से कट नहीं करा। आप जब भी आपके मॉडल को कट करना हो तो बिल्कुल परफेक्टली कट करिए, उतने पर ड्रॉ करिए और आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे से वो कट हुआ है, इरेजर हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स ये ही है हमारी आज की न्यू ट्रिक। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री माता।